मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू डल व्लॉग। आज सुबह सुबह जा रहे हैं, अभी यहाँ पे कितने हो गए दोस्त, सुबह 6 बज चुके हैं और मैं और सेट जा रहे हैं कुछ सेक्सी से ड्रोन शॉट लेने के लिए। और हम न्यू कैसल की सुबह दिखाते हैं आपको, उठ गए हैं जल्दी, आज उठ तो जाते हैं मोस्टली, हम जब भी जल्दी सुबह जाते हैं निकलने के लिए तो पहुँचते हैं वहाँ पर और दिखाते हैं आप लोगों को कुछ मस्त शॉट। नॉबीज लाइट हाउस करके है यहाँ पर, बहुत फेमस जगह है, तो चलिए पहुँचते हैं वहाँ पर और दिखाते हैं। जैसे अभी हम लोग पहुँच गए हैं, सुबह सुबह व्यू देखिए, सनराइज़ हो गया और अभी हम यहाँ पे जाएंगे और थोड़ा ड्रोन वगैरह फ्लाई करेंगे। यहाँ पे लोग फिशिंग कर रहे हैं, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ, ये हो रही फिशिंग और ये देखिए नज़ारे सामने के, ये सिटी का व्यू उसमें हम देख सकते हैं। ये है लाइट हाउस, इस लाइट हाउस और सामने इसकी वजह से सन निकलता हुआ है ना, खूबसूरत नज़ारा। तो दोस्तों काफ़ी पुराना शहर है ये और टायर टू सिटीज़ में आता है न्यू कैसल। तो सुबह भैया आज आपको दिखाएंगे, जाएंगे पहुँचेंगे यहाँ से हंटर वैली और तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा और दिखाते हैं आपको कुछ ड्रोन शॉट्स वहाँ से, देखते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, ब्रेकफास्ट करने का पहुँचेंगे। वापस आए हैं अभी हम लोग थोड़ा मॉर्निंग वॉक करके, मैं और सिद्धार्थ, नेहा और अशोक अभी सो रहे हैं, तो अभी हम लोग थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे यहाँ पे और फिर कॉफ़ी वॉफ़ी पीने के बाद जाते हैं थोड़ा, अभी उसके बाद देखते हैं कि बीच पे जाके जहाँ पे हम कल गए थे वहाँ पे थोड़ा नहा के आएंगे या फिर ऐसे निकलेंगे हंटर वैली के लिए। देखिए नेवा सिंह जी, ये देखिए महंगी गाड़ियाँ, पानी बहता नहीं, वो सॉरी पानी कह रहा हूँ, पैसा बहता है यहाँ पे पानी की तरह, हम लोगों को ही नहीं बह, हमारे ऊपर ही नहीं बह रहा सेठ, सेठ के ऊपर तो बिल्कुल नहीं बह रहा है। तो दोस्तों ओपी कर देना भाई के लिए चैट में, थोड़ा बह जाए इसके ऊपर भी, पानी नहीं पैसा, पानी तो रोज बहता है ये। ले रहा है सेठ कुछ खाने का सामान और कुछ पीने का, कोविड की वजह से देखो हम लोगों ने कैसे एडवाइस दे दिया है। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं नॉबिस बीच पे और मॉर्निंग अपने शॉट देखे सनराइज वाले, वो यहीं कर दिए थे और यहाँ पे आज छुट्टी का दिन है और इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, अब आपको सामने दिखाऊंगा नज़ारा, तो ख़तरनाक हो रखा है मौसम एकदम। तो आगे लाइट हाउस है, लाइट हाउस पॉइंट है, तो वहीं जा रहे हैं बस अभी, इतना आप सामने का दिखाता हूँ मैं आपको व्यू। देखो दोस्तों बीच का माहौल, तो गाइस आज से पहले भी हम यहाँ पे आ चुके हैं, लास्ट ईयर सेम डेट पे 25 जनवरी 2020 को हम लोग यहीं पर ही थे, तो हमारे साथ यहाँ पे श्रुति और कीर्ति भी हुए थे, मतलब उस टाइम पे हुए नहीं थे, मतलब थे उस टाइम पे श्रुति और कीर्ति भी और सॉरी हमारे साथ मनोज, श्रुति और कीर्ति भी थे। तो न्यू पेव्ड एरिया फॉर मोबाइल हेड सैंडस्टोन सीटिंग, तो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने इतना बढ़िया बना रखा है, आगे जाके पूरा हम अगर जाएंगे आगे तो हेड है, उस हेड पे इन लोगों ने मस्त अपना वो बनाया हुआ है, क्या बोलते हैं इसको,
एक 900 फुट का फुटपाथ टाइप का है और वो बिल्कुल लेकिन सी के बीच में जाके ख़त्म होता है। तो देखते हैं, वहाँ पहुँच रहे हैं अभी। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, गर्मी अच्छी खासी है, 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर्स हैं। और ये देखिए लॉन्डे साइकिल करते हुए पीछे से पूरा, एंड दे आर ऑपरेटिंग द ड्रोन एंड यू नो जस्ट टू कीप एन आई ऑन यू नो whoever is surfing or having swimming in the ocean। तो ये लोग अच्छे से मतलब पूरा यहाँ पर सेफ्टी वगैरह सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं और सी आराम से सर्फिंग वगैरह कर सकते हैं। देखिए मेरे पीछे से देखिए क्या आता है, सी सी दिस। तो गाइस अभी नहा धो के यहाँ पे बीच पे अभी निकल चुके हैं कुछ खाने के लिए, फिर उसके बाद खा पी के अब थोड़ा बीच से निकलने के बाद अब जाएंगे हम हंटर वैली की तरफ। और हंटर वैली पहुँचने के बाद दिखाते हैं आपको वहाँ पे पूल है, नज़ारे हैं, बड़े बड़े वाइन यार्ड्स हैं, वाइन बेस हैं, बहुत से वहाँ पर दिखाते हैं आपको। तो गाइस आने के बाद बड़ा थक गए थे और अभी सोए फिर उसके बाद और अभी उठे हैं। तो अभी शाम को हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे हंटर वैली में, और हंटर वैली से हम लोग जा रहे हैं यहाँ से कुछ क्रिसमस लाइटिंग कुछ बहुत अच्छा प्रोग्राम है शाम को, तो उसके लिए बुकिंग्स हो गई हैं। तो अभी वहाँ पहुँचेंगे और फिर कुछ आते देखते डिनर वगैरह के लिए क्या करेंगे और कुछ दिखाएंगे आपको साइड सीन अगर जो भी आसपास के हैं। अभी शाम होने वाली है और वो लाइटिंग शो जो है वो शाम को होता है और वो क्रिसमस के टाइम के अराउंड होता है और शायद उसका आज या कल आखिरी दिन है। तो लकी भी आप पहुँचते हैं और फिर दिखाएंगे आप लोगों को रास्ता कैसा और कैसा रहा और जैसे कि हम दिखाते हैं। तो फिर जुड़े रहिए। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं हंटर वैली, द हंटर वैली गार्डन सर। यहाँ पर लाइट का शो है आज, मतलब आज क्या चल रहा है एक्चुअली काफ़ी टाइम पहले से, कल लास्ट तो कल लास्ट डे है उसका। लेट्स सी पहुँच रहे हैं अभी, दिखाते हैं आपको अंदर के नज़ारे। दोस्तों अंदर के जा रहे हैं, देखते हैं आप कितनी भीड़ है पीछे। स्कैन करना, तो सीट अभी स्कैन कर रहा है और ये स्कैन करने के बाद एक पैसे खुल भी जाएगा और फिर तो सीट यहाँ पे अभी करा रहा है अपना टिकट चेक, और टिकट चेक के बाद हम लोग अंदर घुसने वाले हैं। और ये यहाँ पर चिंगड़ू चिंगड़ू तो ये है लाइटिंग गार्डन हंटर वैली, तो इसके लिए बहुत ब्यूटी और $30 का टिकट है, 1500 रुपीज़ का। लुक एट दिस, तो गाइस नज़ारा बहुत बढ़िया है, पता नहीं कितना अच्छा लगा होगा नहीं लगा होगा हमें पता नहीं, बट यू नो पूरा ये पीछे का व्यू देख सकते हैं आप, तो अच्छा है नो डाउट। बट बहुत ज़्यादा कोई वाव फैक्टर नहीं लगा, बहुत ज़्यादा वाव कुछ नहीं है क्योंकि शायद इससे अच्छा हमने देखा हुआ है बाहर। ओहो वाव है, कुछ तो वाव है, दिखाता हूँ मैं आपको उस साइड। सॉरी गाइस तो फिर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे खाने के स्टॉल से पूरे सीट वहाँ पे खड़ा होकर पास से दे रहा है, हम ले रहे हैं पिज्ज़ा। तो पिज्ज़ा की कॉस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो वुड पिज्ज़ाज हैं, तो अंदर पूरा वुडन का जो ओवन है वो तैयार है और वहाँ पे पिज़्ज़ा बन रहा है, ये देखिए अंदर।
ये बंदी बैठी पिज्जा बना रही है मस्त एकदम। देखा होगा शादियों में हमारे यहाँ पे माहौल होता है इंडिया में, तो सेम वैसा सा ही माहौल है। तो पूरा पार्टी वार्टी ऑस्ट्रेलिया में देखा, पहली बार हमने ऐसा माहौल देखा है तो बहुत ही बढ़िया लगा अपने लोगों को एंड इट्स वेरी नाइस। यू नो पीछे देखिए मेरे लोग अपना बैठ के चेयर पर हम से इन्जॉय कर रहे हैं और टाइम यू नो मैंने आपको आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी अगर, तो शाम को 4 बजे सिटी में शॉप्स बंद हो जाती हैं और इस टाइम पर टाइम हो रहा है 9:15 भी यहाँ पर यू नो ये सब खुला हुआ है। इट्स अमेजिंग, इट्स टोटली अमेजिंग, बहुत मज़ेदार है। कभी आना हो तो हंटर वैली की तरफ आइएगा और क्रिसमस के टाइम पे आई थिंक सो शायद क्रिसमस के टाइम पे ये सब लाइट शो वगैरह रहता होगा और बहुत ही अमेजिंग है। दोस्तों इतनी भीड़ देखने के बाद लग रहा है आपको यहाँ पे कोविड है, हम तो थोड़ा कंफ्यूज से हो गया समझने में कि कोविड है नहीं है। यहाँ पे तो कोई कोविड नहीं है, लग रहा है कोविड कोई कोविड नहीं है, सब कोविड ऐसी है। पर दोस्तों थोड़े मेजर वगैरह लेने ही होना ज़रूरी है, बट यहाँ पे हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में साइन इन किया था ऐप में तो वो जस्ट टू मेक श्योर कि यू नो सेफ रहे लोग, ऐसा केस नहीं है कम्युनिटी ट्रांसफर के लिए, पर अच्छा है बढ़िया है। तो गाइस निकल रहे हैं अभी यहाँ से घर की तरफ,